हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा पेपर हुआ था लास्ट, जो आरआरबी क्लर्क का जो पेपर था, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे शिफ्ट ऐसे थे जिसमें अटेम्प्ट लोगों के 60-65 के आसपास रहे हैं, और कुछ शिफ्ट ऐसे थे जिसमें 70 के आसपास भी अटेम्प्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों में ऐसा एक माहौल बना हुआ है ना कि मतलब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा और एक्यूरेसी वगैरह का क्या बात है और कट ऑफ कितना जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे, उसमें लोग ना कट ऑफ बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उसमें कितना परसेंटाइल होगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं अपने मन से। मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा कि आप प्लीज़ उस तरह के वीडियो देखना बंद करिए, क्योंकि कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। एक अनुमान लगाना है, वो आप खुद से भी लगा सकते हो कि क्या जा सकता है, ठीक है? तो कोई कुछ भी कहता है ना, उस पर बात मत मानो। बहुत सारे लोग आपको ज़्यादा बोलेंगे, कुछ कम बोलेंगे, कुछ बोलेंगे ऐसे होगा वैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन में ये होता है, एक्यूरेसी ख़राब होने से ये होता है, एक्यूरेसी अच्छे होने से ये होता है। हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। यदि पिछले बार आप आईपीएस क्लर्क का पेपर देखो तो उसमें किस तरीके से गेम हुआ था नॉर्मलाइजेशन का, वो आप सबको पता है। तो मैं बस इतना कहूँगा, उस तरह के फालतू वीडियोज आप मत देखो, कट ऑफ वगैरह वाली और एनालिसिस वाली या जो भी है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कट ऑफ ये होगा वो होगा, ये सच पूछो तो किसी किसी को पता नहीं है। हाँ, बट आरआरबी क्लर्क का जो पेपर हुआ उससे एक चीज़ सीख सकते हैं, पता है वो चीज़ क्या है? मैंने जो पूरा पेपर देखा, हर शिफ्ट वाइज शिफ्ट के लोगों से बात किया कि किसके पेपर का लेवल कैसा था, मुझे पता चला कि बहुत सारे शिफ्ट ऐसे हैं जिसमें 60 अटैम्प्ट भी सही से नहीं हुए, 60-62 ऐसे अटैम्प्ट हुए हैं जो कि आरआरबी क्लर्क के लिए बहुत कम अटैम्प्ट है। तो इससे मुझे हमें एक सीख मिलती है, जो आने वाले एग्जाम्स हैं या अदर भी एग्जाम्स हैं आने वाले, हाँ IBSPO SBIPO आएगा, फिर इसमें क्लर्क आएगा, जो भी वैकेंसी आने वाली है उसमें हमें एक रोड मैप बना के चलना पड़ेगा। वो रोड मैप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ना कि किसी भी एग्जाम को छोटा या बड़ा मत समझिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आरआरबी के एग्जाम को बहुत हल्के में ले लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए उस तरीके से तैयारी नहीं करते जो करना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, यदि आप किसी भी क्लर्क की भी पेपर आप देते हो तो आपको PO लेवल के मॉक लगाने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है क्वेश्चन का लेवल कब कहाँ चला जाएगा। फिर आप उस टाइम में ये देखोगे ना कि यदि मान लो क्लर्क का पेपर है, क्लर्क का हम सब जानते हैं ना कि कट ऑफ कम जाता है, पेपर का लेवल थोड़ा सा PO से ईजी होता है, तो आप ये करोगे कि इजी लेवल के ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप SBI क्लर्क के यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये जरूरी है कि SBI PO लेवल के भी मॉक लगाओ, भले उसकी नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, कभी ना कभी तो आएगी ना, तो आपको उस टाइम भी फ़ायदा ही करेगी वो। कभी कभी भी आपको मॉडरेट क्वेश्चन या हाई लेवल क्वेश्चन करना खड़ा भी नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेंस को साथ साथ करिए, उससे क्या होता है पता है, जब आप मेंस के क्वेश्चन साथ साथ कर रहे होते हो ना तो आपको प्रीलिम्स ऑटोमेटिक आप देखते ही कर लोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यदि आप मेल्स के क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हो तो प्रीलिम्स करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। दूसरा बात ये है ना कि आप हमेशा रोड मैप बना के पढ़िए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़िए कि ये आरआरबी का पेपर है तो इसमें इजी आएगा, इसमें क्लर्क है तो थोड़ा सा ईजी आएगा, IPS क्लर्क है तो उससे भी थोड़ा सा ईजी आ जाएगा। इस तरीके से मत पढ़िए, आपको ये पढ़ना है कि हमें सभी एग्जाम पर फोकस करना है। मेन आप क्वेश्चन पर फोकस करिए, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उस पर फोकस करिए। उससे क्या होगा ना कि आप वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाएंगे अपने अंदर, जो एग्ज़ाम में अच्छे से आपको अच्छे स्कोर दिला सके, ठीक है? तो बस इतना ही कहना था कि अब जो हो गया जिनका पेपर उनका तो सही है, अब जिनका पेपर है उनको 13-14 को उनको ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए। पिछले पेपर में क्या हुआ था, कॉन्सेप्ट में क्या आया था, उससे आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, जो आएगा वो तो आएगा ही, उसको आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो मेरा सजेशन आप सब लोग को ये है, अच्छे से पेपर दीजिए और एक रोड मैप बना के पढ़िए। कभी भी किसी भी एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर मत पढ़ा करिए, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए शुरू से लेकर लास्ट तक एग्जाम्स तक। आप प्रीलिम्स मेंस सबके अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो आपको उससे फर्क नहीं पड़े, ठीक है? बाकी आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। जो हमारे यहाँ पे भाई बहन जो भी हमें समझते हैं भाई बहन, उन सबको हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और बस पढ़ाई करते रहिए, आप सबका सिलेक्शन हो जाए इस बार, बस मैं यही चाहता हूँ। और बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको, ठीक है? मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर, बाय।